प्रणाम, आप लोगों को स्वागत है अंजनी जी के जीवन में। दोस्तों आज हम बना रहे हैं 1 kg खसी का मटन। तो दोस्तों खसी का मटन एकदम नए तरीके से और सिंपल तरीके से बनाएंगे, साधारण सा घरेलू मसाला डाल के। ये 1 kg मटन हम फ्रेश से धो लिए हैं, 4 से 5 पानी से धोकर तैयार कर लिए हैं। तो आइए दोस्तों ये मटन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या क्या डालेंगे हर चीज आप लोगों को बारीकी से दिखाएंगे और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए बनाते हैं। डाल देते हैं सरसों का तेल, आधा चम्मच हम जीरा डालेंगे, हरा मिर्च, प्याज भी हम एक ही साथ डाल देते हैं। प्याज को हम भूनेंगे। तो चलिए दोस्तों खसी का मटन बनाएंगे एकदम सिंपल तरीके से। तो प्याज को हम गुलाबी होने तक भून लेते हैं। तो दोस्तों प्याज जो है गुलाबी होने तक भून लिए हैं, देखिए कितना अच्छा से जो है सुनहरा कलर के हो गया भुना कर। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें डाल देते हैं मसाला। डाल रहे हैं लहसुन, अदरक, गोल मरीच, जीरा और जाफर का है पेस्ट। दोस्तों पेस्ट डाल दिए हैं। तो डाल रहे हैं धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कस्तूरी मेथी, हल्दी, सब मसाला को एक ही साथ डाल देंगे इसमें। और इसको हम भून लेंगे। डाल देते हैं नमक, नमक डाल दिए हैं, नमक डाल के भून लेते हैं कम ताव करके। तो आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये मटन कई देसी बहुत ही टेस्टी बना रहे हैं हम वीडियो में। चलिए तो मसाला जो है अच्छी तरह से भुना दिया है। आइए इसमें हम डाल देते हैं मटन। मटन के साथ मसाला को भूनेंगे। तो दोस्तों मटन को डाल दिए हैं। तो चलिए मसाला के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स कर लें। चलिए दोस्तों मिक्स कर लेते हैं मसाला के साथ हम मटन को भूनेंगे। तो दोस्तों सिंपल तरीके से खसी का मटन को हम मसाला के साथ, देखे घरेलू मसाले के साथ हम भूने हैं और ये ज़्यादा देर तक हम नहीं भूनेंगे। मसाला भी भुना गया है, साथ ही मटन भी भुना गया है। तो आइए ग्रेवी के लिए हम पानी डाल लेते हैं। पहले पानी डालते हैं, गर्म पानी है। पानी डालकर ढक्कन से ढक दिए थे और देख रहे हैं मेरा जो है मटन करी रेसिपी कितना टेस्टी लाजवाब बनकर तैयार हो गया है और ग्रेवी भी जो है बहुत ही गाढ़ा हो गया है। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं मटन मसाला। दोस्तों मटन मसाला डाल देते हैं। मटन मसाला डाल दिए हैं, अब इसमें डालेंगे स्वाद के लिए धनिया पत्ता। चलिए दोस्तों धनिया पत्ता डालते हैं स्वाद के लिए, टेस्टी लाजवाब। दोस्तों खसी का मटन रेसिपी में स्वाद के लिए धनिया पत्ता डला गया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और चलिए अब हम चूल्हा पर से उतारेंगे। तो ये दोस्तों चूल्हा पर से उतारते हैं, रेसिपी टेस्टी लाजवाब बनकर तैयार है। तो दोस्तों सिंपल सा घरेलू मसाला डाल के हम खसी का मटन रेसिपी बनाकर तैयार, टेस्टी टेस्टी लाजवाब किए हैं। तो आइए दोस्तों इसे हम चावल के साथ थाली में परोसते हैं और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों परोसते हैं। तो चलिए दोस्तों चावल जो है थाली में परोस लिए हैं, तो आइए मटन परोसते हैं और चारों तरफ से हम ग्रेवी डाल देंगे। दोस्तों
चावल के साथ खसी का मटन रेसिपी थाली में परस कर तैयार कर लिए हैं। आइए और खाकर बताइए कैसा टेस्ट बना है। दोस्तों, खसी का मटन रेसिपी बनाने का तरीका पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अब मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।